सो हेलो हेलो हेलो, कैसे आप सब। उम्मीद है ठीक हो। मैं आपका होस्ट और दोस्त सिविल का स्वागत करता हूँ डीरियल वैली के एक और न्यू एपिसोड के साथ। सो आज का एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है बिकॉज वी आर गोना बी टेकिंग पैसेंजर ट्रेन। ये आइडिया मुझे एक सब्सक्राइबर ने दिया है अपने कमेंट में, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड बेसिकली मैं अभी हार्वरन टाउन के पैसेंजर यार्ड में, एंड यहाँ पर एक और ट्रेन खड़ी हुई है, थोड़ी ग्रीन बॉक्सेस एंड ब्लू बॉक्सेस, एंड अपन जो ले जाने वाले हैं वो है ये रेड बॉक्सेस। ये मुझे ले जाना है सिटी साउथ वेस्ट। ऑल्सो हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं यार, दैट इज़ वेरी नाइस। इवन दो हम लोग डोर नहीं खोल सकते, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, इतना चलता है। सो अंदर जा सकते हैं, सब बढ़िया है। एंड यहाँ पे खिड़की को दे रखी हो तो यहाँ पे कुछ तो लाइक ब्लाइंड फोल्ड हैं। ओके, मुझे लगा नहीं है। ओके, सो अंदर जा सकते हो आप लोग आराम से, आप बैठ सकते हो, ठीक है, बढ़िया आराम से बैठ कर नज़ारे देख सकते हो, बाहर देख सकते हो। सो ये मुझे बहुत पसंद है डीरियल वैली का। तो आज हम इसको ले जाने वाले हैं SO60 से, जो कि स्टीम 060 लोकोमोटिव भी है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने चलाया था S282 आई गेस, एंड आज हम चलाने वाले हैं SO60। ये वाला स्टीम लोकोमोटिव भी सेम है, बस ये है कि अंडर पावर्ड है एंड इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा इतनी नहीं है खास, ठीक है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड अगर आप लोग को बिहाइंड द सीन देखने हैं तो बी श्योर टू फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो सब कुछ रेडी है इसका, ठीक है, जो भी मुझे करना था इसमें भी सेम होता है, लाइक एयर पंप वगैरह खोलना पड़ता है, डायनेमो वगैरह, बट डायनेमो इस बार हमें ज़रूरी नहीं खोलने का बिकॉज दिस इज़ डे। रात को ये शंटिंग करवानी पड़ी थी मुझे, ये मैंने नहीं किया एक्चुअली, ये यार्ड वालों ने किया है, एंड ये शंट होने के बाद ये मुझे लेके जाना है अब। सो ये लोकोमोटिव सेम काम करता है, एंड थोड़ा पानी कम है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन से पानी भर देते हैं, एंड आई गेस थोड़ी बहुत स्टीम इसमें बची होगी, हाँ कम हो रही है बिकॉज पानी भरा जा रहा है ना, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एक बार पानी भर देते हम लोग, एंड जो पोल था वो पूरा निकल चुका है। रात में बहुत हलचल थी बिकॉज दो गाड़ियाँ निकली हैं ऐसे फ्रेट ट्रेन, उसके लिए बीच का रास्ता भी पूरा खाली पड़ा हुआ था। ओके, सो इसको थोड़ा कम करके भरने देते हैं, ठीक है, एंड नाउ वील लिट दिस अप, देयर वी गो। एंड अब इसमें सिर्फ कोल भरते रहना है, एंड जो अपना टेम्परेचर है दैट शुड राइज एंड द प्रेशर शुड ऑल्सो राइज। सो मतलब इसमें थोड़ा एडवांस फीचर है, लाइक इंडोर लाइट भी है, इवन दो इट इनकंडेंसेंट बल्ब है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। इसमें हमको वाइपर्स भी दिए गए हैं, बट अभी हम लोग चला नहीं सकते एज यू माइट गेस बिकॉज हमें डायनेमो ऑन करना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं करना है, ठीक है। इसमें खिड़कियाँ भी दी गई हैं, इसमें डोर्स भी हैं। इसकी जो विशाल है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जस्ट लिसन टू दिस। ब्यूटीफुल विजल भाई, तबीयत प्रसन्न हो जाती है सुन के। ओके, सो अपना जो प्रेशर है वो हो चुका है, एंड फटाफट चलते हैं, दिन निकल चुका है, एंड होपफुली इसको करते हैं कट ऑफ को आगे, मेक श्योर द ब्रेक्स आर रिलीज एंड दिस वॉजेंट। लांटेन लगाने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, लांटेन से याद आया, तो कल रात को ही मैंने जो EOT लांटेन है, एंड ऑफ द ट्रेन लांटेन, वो मैंने यहाँ लगा दी थी। सो ये अभी तक जल रही है, अच्छी बात है, इसका तेल ख़त्म नहीं हुआ। तो इसे हमें लेके जाना है सिटी साउथ वेस्ट पे, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ ना, इसे पहले कर लेता हूँ कपल। आज जो पैसेंजर यार्ड है वो बहुत शांत लग रहा है बिकॉज कल रात को यहाँ पे बहुत हल्ला मच रहा था, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ निकल रही थी एंड ऑल दैट। सो या शंटिंग का काम चल रहा था ई यार्ड में, ऐसे यहाँ शंटिंग वगैरह हो रही थी, एंड ये स्पेशली मशीन फैक्ट्री से आए हैं भाई ये वाले, एंड मेरे ख्याल से जो ये न्यू है ब्लू वाले वो हार्बरन टाउन के ही हैं एंड इम्पोर्ट हुए आई गेस, ये सी यार्ड से निकले हुए हैं आई थिंक सो। जो ग्रीन वाले वो पुराने हैं, थोड़े नहीं एक्चुअली, बहुत गंदे हुए हैं बिकॉज बारिश गिरी हुई है रात को, अगर आप देखो पटरियों का हाल तो गीली हो रखी है। ओके, सो लेट्स गो, बेल बजा देते हैं। बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कार्स खड़ी हुई है, लाइक ई यार्ड में एज ऑलरेडी मैंशन काम चालू है, इसलिए थोड़ा लैग हो रहा है, बिकॉज जिस यार्ड में ज़्यादा ट्रेन होती हैं वहाँ पर थोड़ा लैग तो होता ही है, सो वो तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। वेल एनीवेज, अगर इसको इग्नोर करते हैं बाकी सब, तो आज दिन बहुत अच्छा निकला हुआ है, थोड़े बहुत बादल हैं एंड बारिश शायद ही होगी, नहीं हुई तो अच्छा है, हो भी गई तो इतना कुछ इशू नहीं है, बिकॉज दिस टाइम वी हैव वाइपर्स। एक इसमें दिक्कत ये लोकोमोटिव में कि इसके जो सिलेंडर्स है उसमें बहुत जल्दी पानी भर जाता है यार, सो ये थोड़ा सा मुझे अनोइंग लगता है, बट उसके अलावा ये ठीक है, स्पेशली जो लोकोमोटिव है पैसेंजर ट्रेन के लिए बहुत सूटेबल है। एंड होपफुली डीरियल वैली अगले किसी अपडेट में होपफुली पैसेंजर्स इंक्लूड कर दें तो मज़ा आ जाएगा फिर तो।
आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, मैंने कहा था आराम से। वेल कोई इतना इशू नहीं है, सो लेट्स जस्ट कपल दिस। सो दिस इज़ डन, फटाफट चलते हैं सीधा सिटी साउथ वेस्ट में। ओके सो यहाँ पे मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, जब तक मुझे यहाँ पे सिग्नल नहीं मिलेगा, जब तक मुझे यहाँ पे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं जा सकता हूँ। तब तक अपना जो लोकोमोटिव है उसका मैं इंस्पेक्शन कर लेता हूँ, और जो पीछे कार्स है उसका इंस्पेक्शन कर लेता हूँ, बिकॉज पर्सनली आई डोंट नो किस हालत में आई है। सो या आई थिंक सो ये जो कप डीकपल होने के बाद जे यार्ड में, एक सेकेंड शायद मुझे सिग्नल मिल गया। ओके ओके सो फटाफट चलते हैं अब, एंड मेकिंग श्योर द ब्रेक्स रिलीज, इसको डालते सर्विस पे, एंड पीछे देख लेते हैं एक बार, एंड वन विसल। And we'll go. And just like that, we are off. ओके सो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पानी इसमें रहना चाहिए, प्रेशर ठीक होना चाहिए, एंड इसकी दिक्कत नहीं ज़्यादा, मतलब डैम्पर से इसका जो टेम्परेचर है वो अपन आराम से ये कर सकते हैं इसको नॉर्मल लाइज, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है, एंड इस बार हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, बिकॉज ये रास्ता मोस्टली फ्रेट यूज होता है, सो बेसिकली हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ का नज़ारा है वो भी अच्छा है, बिकॉज पूरा आपको सी दिखेगा यहाँ से। एंड बीच में अगर स्टॉप ना मिला तो ये अच्छा है, अदरवाइज कभी कभी क्या होता है स्टॉप मिल जाता है अपने को। सो द बैड न्यूज़ इज बारिश होना शुरू हो चुकी है, इससे जो हमारा ट्रैक्स है वो पूरे गीले हो चुके हैं, हेंस नॉट मेकिंग अ वेरी गुड फिक्शन। बट लेट्स सी, एक बार मुझे पहिए देख लिए, कहीं स्लिप लिप तो नहीं हो रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, लग तो नहीं रहा है। और इसी बहाने जो अपने कोचेस हैं वो साफ हो गए हैं, दैट्स ऑलवेज अ गुड पॉइंट। वो है अपना फॉरेस्ट, वहाँ से सिर्फ लॉग्स निकलते हैं, सिर्फ लॉग्स, वो भी हम लोग एक बार करेंगे जॉब एक बार, बट फिलहाल तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। एंड में डायनेमो बंद करना पड़ेगा, वो फालतू में स्टीम यूज़ कर रहा है। वाइस पिट आने वाला है जो कि अपना सिटी साउथ वेस्ट का है। सो अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक कर्व आने वाला है जो कि 30 का है, एंड वी आर डेफिनेटली बिलो 30, सो लेट्स फाइन। स्टिल मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक जो है वो लगा देता हूँ, देयर यू गो, वन बार शुड बी नाउ। ओके फाइन, यहाँ थोड़ा रुकना पड़ा मुझे, ठीक है। बाय द वे आपने नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा है, एंड वो है सामने अपना सिटी साउथ वेस्ट।
सो या जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जा नहीं सकते, सो वील वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन विल गो। तो जब तक हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है तब तक एक काम करते हैं, इसका डायनमो कर देते हैं ऑन, बिकॉज अभी रात होने वाली है एंड हेडलाइट चालू जानी चाहिए। ओ सिग्नल मिल चुका है, सो लेट्स गो। सी कोई पैसेंजर नीचे उतरा तो नहीं है, एक बार हॉर्न दे देते हैं हम लोग। परफेक्ट, सो लेट्स गो। मैंने ऑलरेडी जो सिलेंडर कॉक्स है वो खोल रखे हैं, यहाँ से लेना है मुझे लेफ्ट एंड देन हम लोग पहुँच जाएंगे सिटी साउथ वेस्ट। तो कभी कभी होता क्या है ट्रैफिक की वजह से आउटर में खड़ी करनी पड़ती है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन आई गेस। जो प्लेटफॉर्म है वो खाली हो गया रहेगा, तो हम लोग पहुँच चुके हैं सिटी साउथ वेस्ट एंड जो सिग्नल्स हैं वो ऑलरेडी लगे हुए हैं। वेल ये है पैसेंजर यार्ड जो कि लेफ्ट को जाता है, शाम का वक्त हो चुका है एंड आई डोंट थिंक सो कोई ट्रेन यहाँ पे होंगी, तो इसका मतलब पूरा प्लेटफॉर्म अब खाली होगा। ओके नेवर माइंड, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेन खड़ी हुई है। ओके फॉर सम रीज़न यहाँ पे टैंकर भी खड़े हुए हैं, अब इतना तो मुझे पता है कि ये खाली है, अगर ये भरे होते वैसे तो भरे हुए टैंकर यहाँ पे रहते नहीं है, बट ये मेरे ख्याल से जाने के लिए खड़े हुए हैं। आई गेस यार्ड में कुछ काम चल रहा होगा, दैट्स वाई ये टेम्प्रेरी खड़े हुए हैं यहाँ पे। एक ट्रेन और आने वाली है आई गेस, तो इसके पीछे भी कुछ कोचेज हैं, ग्रीन वाले कोचेज खड़े हुए हैं जो कि पुराने वाले हैं, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। सो प्लेटफॉर्म आ चुका है अपना, बस ऑलमोस्ट सामने जाने की जगह भी नहीं है, सो मुझे ब्रेक लगाने शुरू करने पड़ेंगे। ओके हियर वी गो। तो जो अपनी ट्रेन है प्लेटफॉर्म पे बराबर आ चुकी है एंड यहाँ से अब कोई और हैंड ओवर करेगा एंड ये ट्रेन वहाँ जाएगी, मुझे लोकोमोटिव निकालना पड़ेगा, बाद में निकालूंगा। वह आज का जो हमारा काम था वो हो चुका है एंड आई गेस मुझे अब ये ले जाना पड़ेगा। आज का हमारा जो काम था वो हो चुका है, थोड़ा टाइम लगा सुबह से रात हो गई आने में, बट इतना ही लगता टाइम। वेल एनीवेज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करो दोस्तों को, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।